शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। किस्मत बदलने का इंतजार हर किसी को रहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने हकीकत में बदल जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लोगों को अपने सपनों को सच करने का जरिया बना हुआ है, जहां रातों रात कोई भी शख्स फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। इंटरनेट उन लोगों के लिए वरदान की तरह साबित हुआ है जो अपना हुनर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी इसे प्रतिभा मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इंटरनेट की पहुंच आजकल लगभग हर घर तक हो गई है। ऐसे में किसी भी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसके साथ ही हुनर वालों को उनके कदरदान की भी भारी संख्या मिल जाती है। बीते कुछ समय में ऐसे कई चेहरे सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होने के चलते रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। बहुत ही कम समय में इंटरनेट से स्टार बने इन लोगों में से कोई गरीबी तो कोई गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। एक वीडियो ने उनकी किस्मत बदल कर रख दी। आज आलम यह है कि कोई इनका ऑटोग्राफ लेना चाहता है तो कोई इनके साथ सेल्फी लेने की होड़ में है। आइए आपको ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताते हैं जिन्हें सोशल मीडिया ने स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बना दिया। रानू मंडल। दोस्तों शुरुआत करते हैं कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी रानू मंडल। बंगाल के बारपेटा टाउन के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी। एक युवक ने उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जो कि सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो गया। फिर क्या था, वो देखते ही देखते इंटरनेट की सुपरस्टार बन गई। इस वीडियो के वायरल होने से पहले तक रानाघाट स्टेशन पर लता मंगेशकर जी का एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, गीत गाकर फेमस होने वाली रानू मंडल को शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी किस्मत इस तरह से बदलने वाली है। रानू की गायकी ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में उन्होंने अपना पहला बॉलीवुड सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया। खुद रानू को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका एक वायरल वीडियो उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा देगा। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने रानू की बॉलीवुड में एंट्री करवा दी है। चाय पी लो आलिया आंटी, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। ये लाइन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही फेमस हुई कि अब तक लोगों के दिमाग से नहीं निकल पाई। दरअसल एक महिला का चाय पीते हुए एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वो लोगों को बड़े ही अनोखे अंदाज में चाय ऑफर करती हुई दिखाई देती है। हेलो फ्रेंड चाय पी लो। उस महिला का नाम है सोमवती महावर। वे एक ब्लॉगर हैं और अपनी बात वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। सोमवती वीगो वीडियोस नाम की एक ऐप पर 15 सेकंड की वीडियो अपलोड करती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग को कभी हल्के मत लीजिएगा। वीगो अकाउंट पर उनके करीब 30,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वैसे उनके इस चाय वाले वीडियो के वायरल होते ही उन्हें चाय पी लो वाली आंटी के नाम से बुलाया जाने लगा और वो देखते देखते इंटरनेट स्टार बन गई। डांसिंग अंकल। अपने डांस स्टाइल से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले डब्बू अंकल का नाम भी इंटरनेट स्टार की लिस्ट में आता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव, जिन्हें सब डब्बू अंकल के नाम से जानते हैं, वे रातों रात अपने डांस से लाइमलाइट में आ गए। दरअसल डब्बू अंकल किसी समारोह के दौरान शूट किए गए एक डांस वीडियो से इंटरनेट पर वायरल हो गए थे। वीडियो के बाद डब्बू अंकल इतने फेमस हो गए कि उनसे कई सेलिब्रिटीज ने मुलाकात की और उनके साथ ठुमके भी लगाए। यही नहीं, वे एक टीवी कमर्शियल में भी नजर आए। ढिंचक पूजा। किसी गाने से फेमस होने के लिए सुरीली आवाज का होना जरूरी नहीं है। इस बात को दिल्ली की पूजा जैन ने सच साबित करके दिखाया। सेल्फी मैंने ले ली आज से इंटरनेट पर सेंसेशन बनी ढिंचक पूजा काफी पॉपुलर हुई। लोगों ने उनके गाने की खूब हंसी उड़ाई, लेकिन मजाक मजाक में उनकी वीडियो ने करोड़ों की कमाई कर ली। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि पूजा को बिग बॉस सीजन 11 में बतौर कंटेस्टेंट भी एंट्री मिल गई। लोग क्या कहेंगे, इस बात से बेखबर होकर पूजा ने एक नहीं बल्कि कई और भी गाने बनाए जो कि वायरल हुए और पॉपुलर भी। प्रिया प्रकाश वॉरियर। आपको भी याद होगा पिछले साल वैलेंटाइन डे के समय आंख मारती हुई एक लड़की का वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसे देखकर लोग उसके फैन हो गए थे। वो लड़की थी प्रिया प्रकाश वॉरियर। प्रिया प्रकाश ने एक ही दिन में लाखों की संख्या में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बना लिए थे। काफी लोगों को लगा था कि ये लड़की कोई स्कूल गर्ल है, लेकिन हकीकत में प्रिया एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं और वे मलयालम फिल्म ओरु अदार लव से अपने फिल्मी करियर की उस समय शुरुआत कर रही थी। प्रिया का 26 सेकंड का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। उस वीडियो को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उन्हें गुमनामी से बाहर निकाल कर रातों रात स्टार बना दिया। बचपन का प्यार। सहदेव को लेकर इन दोनों सोशल मीडिया पर बस बना हुआ है। सहदेव ने 2 साल पहले अपनी क्लास में बचपन का प्यार गाना गाया था। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे,
साल बाद ये गाना इतना वायरल हो गया कि पूरे देश में छाया हुआ है। सहदेव के इस गाने को रैपर बादशाह ने कंपोज करके यूट्यूब पर रिलीज भी किया, जिससे फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। सहदेव ने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक छोटे से क्लिप की वजह से वो इस तरह से देखते देखते इंटरनेट के यंग सेंसेशन बन जाएंगे। हालांकि आज इस नन्हे से बच्चे को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह इन्होंने अपने गाने से लोगों को दीवाना जो बना दिया था। कच्चा बादाम। सोशल मीडिया वैसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कब किसकी किस्मत उलट दे कोई कुछ नहीं कह सकता। रानू मंडल से लेकर डब्बू अंकल तक कई लोगों को सोशल मीडिया स्टार ये बना चुका है। हाल ही में सोशल मीडिया ने एक और स्टार दे दिया है और ये हैं कच्चा बादाम के सिंगर भुवन बडायकर। कभी बीरभूम के सुदूर गांव में साइकिल में गाते हुए मूंगफली बेचने से लेकर कोलकाता के नाइट क्लब में लाइव परफॉर्म करने तक भुवन बडायकर अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं। भुवन बडायकर का पूरा सफर किसी सपने की तरह है। कोलकाता में खचाखच भरे एक पॉश नाइट क्लब में फैंस को संबोधित करते हुए भुवन कहते हैं, मैं आज यहां आप सबके बीच में आकर बहुत ही खुश हूं। इस दौरान भुवन ने चमकती हुई जैकेट पहनी थी। इसके बाद उन्होंने अपना वायरल सॉन्ग कच्चा बादाम गाया। में जोश भर दिया। भुवन के लिए कभी परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल होता था। अपना परिवार चलाने के लिए भुवन दिन रात मूंगफली बेचते थे, लेकिन कच्चा बादाम के वायरल होते ही अब उनके पास एक के बाद एक ऑफर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते ही एक म्यूजिक कंपनी ने भुवन को 1.5 लाख उनके अपकमिंग ट्यून के लिए रॉयल्टी के तौर पर दे दिए। जोमैटो स्माइल। जोमैटो का एक डिलीवरी बॉय कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ था, जिसका नाम सोनू है। सोशल मीडिया में जोमैटो बॉय के नाम से हैशटैग भी काफी ट्रेंड हुए, क्योंकि इस डिलीवरी बॉय की स्माइल बहुत ही क्यूट थी। लोग उनकी प्यारी सी मुस्कान पर फिदा हो गए थे। डिलीवरी बॉय का वीडियो सोशल मीडिया में सोनू की खुशी के कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में जोमैटो के इस डिलीवरी बॉय के सोशल मीडिया में 2.5 लाख फॉलोअर हो गए हैं। इस वीडियो की इतनी अधिक चर्चा हो गई है कि अब जोमैटो इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट की डीपी में इसकी तस्वीर लगाई है। हमेशा प्यारी मुस्कान लिए घूमते हैं सोनू। दरअसल कुछ दिन पहले किसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सोनू नाम के इस डिलीवरी बॉय का पूरा वीडियो शेयर किया। वीडियो में सोनू कहते दिख रहे हैं कि पूरे दिन फूड डिलीवरी का काम करने के बाद उनको इंसेंटिव के साथ साथ 300-350 रुपए मिलते हैं। जो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है वो कंपनी उन्हें खाने के लिए दे देती है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी क्यूट सी स्माइल का राज क्या है, तो डिलीवरी बॉय कहता है कि 12 घंटे काम करने के बाद 350 रुपए मिल जाते हैं, कंपनी खाना दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो भैया आप जोमैटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 350 डेली का इंसेंटिव लगा के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।